दरअसल आपको बता दें कि सामरी में नागेसिया समाज के लोगों ने मनाई अंग्रेजों से लोहा लेने वाले लागुड़ किसान की स्मृति दिवस, जिसमें मुख्य अतिथि रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा और पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा विशिष्ट अतिथि रहे। जन्मजय सिंह, सुदेश पैकरा, उमेश्वर ओझा, राकेश भारती, राजेश अग्रवाल सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने अपनी उद्बोधन में नागेसिया समाज के उत्थान की बात कही गई। नागेसिया समय के ब्लॉक अध्यक्ष जनक नाग ने सभा को संबोधित किया और पूर्व विधायक के द्वारा कुछ घोषणाएं भी की गई। विधायक ने कहा कि जो भी दिक्कत हो हम पूरा करेंगे। झारखंड से आए कलाकार पवन राय के द्वारा गीत प्रस्तुत की गई। रंगारंग कार्यक्रम हुए। विधायक के द्वारा सभी कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। यूसुफ खान की रिपोर्ट। लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए और हमारे समाज के लिए वो इतना संघर्ष किए और अपने आप का बलिदान कर दिए और एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिनको इतना मतलब तड़पा तड़पा के मारे और इसके बाद 108 साल तक वो कैद थे और समाज के लिए अच्छे काम किए हमारे पूर्वज थे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उनसे ये प्रेरणा लेते हैं और ये यादगार दिवस मनाते हैं ताकि हम लोग बुराई के खिलाफ लड़ें और अच्छाई की ओर चलें। वो महापुरुष थे और हमारे लिए जो है शहीद हो गए, तो हम चाहते हैं कि साल में एक दिन उनके नाम से हम लोग उत्सव मनाएं। हर साल हम लोग मथुरा गुप्ता जी, अर्जुन यादव जी, महेंद्र यादव जी, राकेश भारती जी, राजेश्वर गुप्ता जी, लक्ष्मण पैकरा जी, जहरूल अंसारी जी, बंसीधर गुप्ता जी, इंद्रदेव नाग वकील साहब फुलसी से आए हैं, टेक नारायण सिंह जी सिसकोट से आए हुए हैं और यहाँ के सभी अध्यक्षगण, संरक्षक भाई सुखनंदन किसान जी, जगत नगेसिया जी, युवा ब्लॉक अध्यक्ष राजपुर वीरेंद्र नाग जी, कार्यक्रम संस्थापक गुना राम जी, ब्लॉक अध्यक्ष कुसमी जनक नाग जी, युवा ब्लॉक सचिव शंकरगढ़ सगल साई नाग जी, वर्ग में भी अभी शामिल हो गए और जो ये नागुर दादा वाला ये पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी नृत्य गान हुआ, सब गाँववासियों के अनुरोध ही किया गया। लागुड़ नगेसिया जी को शहीद का दर्जा दिए जाने का मांग उनका रहा है नगेसिया समाज का, शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जाए? ये शहीद का दर्जा दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विजयनाथ जी, मैं और शिवशंकर महाराज जी, हम लोग जाएंगे सीएम के पास में, उस समय बात को रखेंगे और संभवतः जल्द ही। नगेसिया समाज के लिए आपका क्या प्रयास है? ये कई बार मतलब कई समाजों के लिए मैं 25-25 लाख का भवन बनवा चुका हूँ और नगेसिया समाज के लिए 25 लाख रुपए सीएम साहब से लेकर के फिर या फिर विधायक निधि से तो बना करके हम स्वीकृत करके भवन को साल भर के अंदर में तैयार कर देंगे और इसकी बाउंड्री वॉल भी हम साल भर के अंदर में तैयार करने का पूरा प्रयास करेंगे। भैया जनमंजय सिंह जी मंच पे बैठे समस्त मंचासी, नगेसिया समाज के समस्त समाज प्रमुख और गांव से आवल जमो ग्रामवासी, माता बहन छोटे, मोर तरफ से सबे कोई के जोहार है, प्रणाम है। आज हमें एक समाज के काम से हमें सब आए ही, एक पुण्यतिथि लागुड़ किसान जी के हमें आप सब मन